हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज है महाशिवरात्रि और गुड मॉर्निंग हो गई है, सुबह के बज रहे हैं 7 और मैं देखिए नहाकर तैयार होकर के पूजा करके आ गई हूँ। तो कैसे हैं आप सब। सबसे पहले महाशिवरात्रि की आप सभी लोगों को ढेरों शुभकामनाएं। हैप्पी महाशिवरात्रि। सभी लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें और अपने जीवन को बहुत अच्छे तरीके से चलाते रहें। तो देखिए गुड मॉर्निंग का टाइम है, अभी धूप नहीं निकली है अच्छे से। तो आज का पूरा दिन पूरा रूटीन में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि आज हम लोग क्या क्या बनाएंगे, क्या क्या खाएंगे। तो उसी के लिए आप लोग मेरे चैनल पर बने रहिएगा, इसी तरीके से वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरा न्यू वीडियो जो है आपको सबसे पहले मिल पाए। और इस वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को पक्का बताऊँगी कि हम लोग लाइव कब आएंगे, आप अपने क्वेश्चंस के आंसर मुझसे कब ले सकते हैं। तो चलिए बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। तब तक बनाते हैं हम चाय। इसके बाद मैं फलाहार में जो बनाऊंगी वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। इसके बाद आगे आगे क्या क्या होता है, शाम तक चलेगा ये वीडियो, तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही, बाय बाय। तो ये देखिए फलाहार में क्या बन रहा है, ये साबूदाना। इसके बाद में आलू का चिप्स जो है फ्राई कर रही हूँ मैं यहाँ पर, तो वही मैं फ्राई कर रही हूँ। देखिए कितने अच्छे से फूल गए हैं हमारा साबूदाना। इसी का हम लोग नमकीन बनाएंगे। आप इसी तरीके से फ्राई करने के बाद में इसमें मूंगफली दाना फ्राई करके डाल लीजिएगा, तीनों चीज़ को मिक्स करके। या तो आप नमक डाल सकते हैं, चीनी डाल सकते हैं, जो आप लोगों को पसंद हो। अगर खट नमकीन पसंद है तो नमक डाल सकते हैं, और मीठा पसंद है तो चीनी को जो है मिक्सर जार में पीस करके उसको डाल देंगे तो मीठा नमकीन बन जाएगा। तो मैं इसी तरीके से बना लेती हूँ इसको, और इस तरीके से बनाया हुआ ना बहुत टेस्टी लगता है। और देखिए मैं, ईशु और बेबी, हम तीनों माँ बेटा ही व्रत हैं, और इसके बाद मेरे हस्बैंड और रिंकू व्रत नहीं है, तो हम तीनों के लिए ही बनाएंगे। बनाऊंगी तो एक्चुअली मैं सबके लिए ही, क्योंकि फलाहार का सामान कभी कभी बनता है तो सभी लोग उसको अच्छे से खाते हैं। तो वही देखिए मैं निकाल रही हूँ इसको। इसके बाद मैं आप लोगों को खिचड़ी की रेसिपी बताऊँगी, तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। खिचड़ी आज बहुत शानदार और टेस्टी बनने वाली है, तो वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और ये देखिए हमारे फ्राई हो गए हैं कितने अच्छे से। इसको मैं निकाल लेती हूँ आराम से पूरा ऑयल निकालते हुए, क्योंकि ऑयल निकल जाता है ना इसके बाद ही ये अच्छे लगते हैं। और ये देखिए कोई अगर आप मंदी आंच में इनको फ्राई करेंगे ना तो इनमें ऑयल भर जाता है, और अगर आप इसको थोड़ा तेज़ आंच में फ्राई करेंगे, देखिए मेरी फ्लेम फुल है, बटन मेरी सीधी है बिल्कुल, तो तेज़ जल रहा है गैस, तो वही देखिए तो इसमें ऑयल नहीं भरेगा। तो वही देखिए मैंने इनको फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें मूँगफली दाना और फ्राई कर लेते हैं। तो ये देखिए सारा कुछ मैंने निकाल लिया है। अब इसके बाद अब हम इसमें डालेंगे मूंगफली दाना। तो चलिए डब्बे में से निकाल के मूंगफली दाना देखते हुए मैं डाल देती हूँ इसमें। तो ये देखिए अब हम इसमें मूंगफली दाना फ्राई करके डाल लेते हैं। तो चलिए मूंगफली दाना फ्राई करते हैं। और इस तरीके की बनी हुई चिप्स और ये नमकीन किस किस को फलाहार में पसंद है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मुझे। और देखिए मैं देख देख करके डाल रही हूँ, क्योंकि भले हम लोग देख के रखते हैं ना, फिर भी डब्बे में कीड़े होने का डर रहता है, मूँगफली दाना बहुत जल्दी कीड़ा पकड़ता है। तो वही देखिए फुल इसको बंद कर दिया है मैंने, क्योंकि अभी जो तेल हम लोगों को कम करना है रिफाइंड, तो इसीलिए मैंने इसको अब मुझे कुछ नहीं फ्राई करना है तो मैंने बंद कर दिया है। इतना तेज़ गर्म है तेल कि हमारा ये जो है फ्राई हो जाएगा अच्छे से। और ये देखिए बहुत जल्दी तल जाते हैं ये, और अगर इनको ना देखो ना तो जल भी जाते हैं। हम लोगों को दिखते रहेंगे कि ऐसे दिख रहे हैं कि अभी फ्राई नहीं हुए हैं, फिर भी अंदर से जल जाएंगे, फिर कड़वापन में आ जाता है। तो इस तरीके से देखिए हमारा नमकीन बन करके जो है तैयार हो गया है। तो ये वाला नमकीन ना बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। अब आप इसमें नमक और चीनी, जैसे कि मैंने बताया मिक्सर जार में पीस करके चीनी डाल सकते हैं, चीनी पाउडर आप इसमें, तो मीठा नमकीन बन जाएगा। और अगर आप इसमें नमक डाल देंगे तो नमक वाला नमकीन बन जाएगा। तो हमारे इधर जिसको जैसा पसंद आएगा, मैंने मिक्सर जार में चीनी पीस करके रख दी है और नमक भी रख दिया है, जिसको जैसा पसंद आएगा अपने हिसाब से डाल करके खा लेगा। तो अभी मैं इसमें कुछ नहीं डालूंगी, अब हम बनाएंगे खिचड़ी। तो चलिए खिचड़ी की प्रिपरेशन कर लेते हैं। तो ये देखिए सारा सामान मैंने खिचड़ी का रख लिया है। सबसे पहले मैंने ऑयल कम कर दिया है, और इसमें मैंने 2 से 3 चम्मच ऑयल डाला है, आप अपने साबूदाने के हिसाब से डाल लीजिएगा। और इसमें मूँगफली दाना मैंने डाल दिया है, और अब हम इसके बाद डालेंगे हरी मिर्च कटा हुआ। तो हरी मिर्च मैंने काट लिया है, इसे सेंधा नमक का डब्बा है, इसमें सेंधा नमक के पैकेट रखे हुए हैं, इधर ये हल्दी का डब्बा और चीनी रखा हुआ है, बस इतने ही सामान की इसमें ज़रूरत पड़ती है। और ये देखिए आधा हरी मिर्च जो मैंने दाल में तड़के के लिए बचा लिया है, और आधा जो है इसमें डाल दूंगी मैं।
इसके बाद देखिए टमाटर भी हम इसमें ऐड करेंगे और आलू जो है काट करके धो करके मैंने पहले से रख लिया है तो वही मैं इसमें डाल दूंगी। काट करके धो करके चलनी में मैंने काफ़ी देर का उसको रखा हुआ था ताकि पानी निकल जाए उसका एक्स्ट्रा। तो ये देखिए अब हम इसको जो है अच्छे से चलाएंगे और फ्राई होने तक मतलब आलू पकने तक इसको जो है अच्छे से चलाते हुए पकाएंगे। और ये देखिए दो आलू गिर गया है तो मैं इसको एक साइड कर देती हूँ। और बस इसी तरीके से आप खिचड़ी बनाइएगा, इस तरीके से आप खिचड़ी बनाएंगे ना बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है और रियली में इतनी ज़्यादा यम्मी लगती है खिचड़ी बहुत ज़्यादा इस तरीके से बनाई हुई। और इस तरीके से जब हम लोग आराम से शांति के साथ में बनाते हैं ना और इस तरीके से जिस तरीके से मैं बना रही हूँ ना इस तरीके से आप सामान डालिएगा बहुत ज़्यादा मतलब कम चीज़ में बहुत अच्छी चीज़ बनेगी और बहुत टेस्टी लगती है। और ये है सेंधा नमक, तो ये मैंने थोड़ा सा निकाल करके हाथ पे फिर इसमें डालूंगी क्योंकि इसमें जो गुठलियाँ होती हैं ना वो फूटती नहीं है बाद में और बाद में फिर मुंह में आती हैं। तो वही देखिए इस तरीके से तोड़ते हुए मैं इसको डाल लूँगी। साबुदाने में ही मैं मिक्स कर लेती हूँ, तो ये नमक भी जो है मैं साबुदाने में ही मिक्स कर लेती हूँ क्योंकि साबुदाने में हम लोग जब नमक मिक्स कर लेते हैं ना तो खिचड़ी का एक बराबर टेस्ट आता है। और ये देखिए मैं इस तरीके से फोल्ड करके इसको रख देती हूँ क्योंकि व्रत के टाइम में ही हमें इसकी ज़रूरत होती है। तो ये देखिए अब हम इसमें हल्दी डाल लेंगे और हल्दी डालने के बाद हम इसको मिला लेंगे। तो चलिए मैं मिला लेती हूँ, मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। देखिएगा मेरा जो है आलू फ्राई हो गया था, अब मैं इसमें टमाटर एक जो है कट करके डाल दूंगी। आलू जो है मेरा सीज गया था तो मैंने टमाटर इसमें ऐड कर रही हूँ, तो वही मैं डाल रही हूँ टमाटर कट करके। टमाटर मैंने पहले से काट के नहीं रखा था, इसी में काट दूंगी जल्दी जल्दी। और देखिए इस तरीके से काट करके जो है डाल देंगे। तो झटपट अगर आपको खिचड़ी बनानी है इस तरीके से तो फलारी खिचड़ी इस तरीके से बनाइएगा, बहुत ज़्यादा यम्मी लगती है। अब हम इसको अच्छे से चला देंगे और दो मिनट तक बस बिल्कुल मंदी आँच में टमाटर को पकने देंगे क्योंकि टमाटर पका हुआ था और बहुत जल्दी पक जाएगा। और इसके बाद अब हम इसमें क्या डालेंगे वो मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले ये दिखाती हूँ खिचड़ी हमारी, देखिए मसाला इसका कितना प्यारा दिख रहा है और देखिए पूरा टेक्सचर देखकर ही आपको लगेगा कि खिचड़ी हमारी कितनी शानदार लगने वाली है। तो ये देखिए अब हम इसमें जो नमक और हल्दी मिला हुआ साबुदाना था उसको मैं ऐसे मसल मसल करके तोड़ करके जो है इसमें डाल दूंगी। तो इस तरीके से तोड़ के डालने से क्या होगा कि ये जो है मतलब पूरे तरीके से एक एक दाना हो जाएगा और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का ये साबुदाना था। तो ये देखिए मैंने इसको मैंने रात को ही भिगो दिया था तो ये सुबह में मैं बना रही हूँ। और आप चाहें तो 3 से 4 घंटे पहले इसको भिगा सकती हैं, बट मैंने इसको नाइट में ही भिगा दिया था क्योंकि ईसु व्रत रखने वाला था। तो ये फलार मैंने 10-11 बजे ही बना लिया था क्योंकि जब बच्चे व्रत वगैरह हो ना तो उनको भूख लगने लगती है, बच्चे छोटे हैं, ईसु मेरा छोटा है, तो इसीलिए मैंने इसको नाइट में ही भिगा दिया था। वैसे मैं मॉर्निंग में भिगाती हूँ बट मेरे को पता चल गया था कि ईसु व्रत रखेगा सुबह, तो मैंने जल्दी भिगा दिया था क्योंकि बच्चे ब्रेकफास्ट भी नहीं करेंगे। केला वगैरह खाया था उसने बट फिर भी बच्चे हैं और ज़्यादा देर तक भूख रखना बच्चों को अच्छा नहीं है। तो वही देखिए अभी हम इसको मिलाते जाएंगे, जैसे जैसे हम इसको मिक्स करते जाएंगे ना इसका कलर बिल्कुल अपने आप चेंज होता जाएगा। आप इस तरीके से खिचड़ी बनाइएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि खिचड़ी कैसी लगी। तो देखिए मैं इसको मिलाती जाऊँगी और आप कलर देखिएगा कलर कितना प्यारा देने वाली है ये लास्ट में।
कितना प्यारा कलर इसका आया है। इस तरीके से आप बनाइएगा खिचड़ी। और अब हम इसमें चीनी डालेंगे। तो हमारे इधर चीनी की खिचड़ी पसंद की जाती है, तो मैं चीनी डाल दूंगी। जैसे पोहा बनाते हैं उस तरीके से मैं ये खिचड़ी बनाती हूँ। तो ये देखिए, मैं आवश्यकता के अनुसार अपने हिसाब से चीनी डाल दूंगी, कम या ज़्यादा। तो मेरे इधर सब लोग चीनी वाली खिचड़ी खाते हैं, तो मैं इसमें चीनी डाल दूँगी। चीनी वाली खिचड़ी किस किस को पसंद है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये देखिए, खिचड़ी हमारी बिल्कुल प्रॉपर तरीके से और अच्छे से बन करके है तैयार। अब सर्व करने के लिए थोड़ी देर तक मैं इसको चलाऊँगी, क्योंकि मोटा दाना है इसका, हमारी जो चीनी है थोड़ी मोटे दाने वाली है, तो इसीलिए मैं थोड़ी देर तक इसको चलाऊंगी। और इसके बाद में हमारी खिचड़ी सर्व करने के लिए है बिल्कुल तैयार। और देखिए कितना प्यारा इसका कलर आया है। और आज का वीडियो तो आपको मेरा पक्का अच्छा लगा होगा, क्योंकि महाशिवरात्रि के व्रत का जो है फलहार मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो एक लाइक, एक कमेंट और एक शेयर तो बनता ही है। और न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरा न्यू वीडियो जो है आपको सबसे पहले मिल पाए। इसी तरीके से मज़ेदार वीडियो मैं जो है आप लोगों को देती रहूँगी, और एक डॉक्टर की लाइफ इंजॉय करती रहूँगी, कि किस तरीके से मैं अपनी कॉलेज लाइफ, अपने घर की लाइफ सब कुछ इंजॉय कर रही हूँ। आप लोग भी इसी तरीके से खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा हमेशा, और इस तरीके से अपनी लाइफ को इंजॉय करते रहिएगा। अरे लाइफ मिली है एक बार ज़िंदगी में, तो जीने के लिए मिली है। हर काम करो ज़िंदगी में, खुश रहो, आराम से इंजॉय करो। और मैं भी इसी तरीके से इंजॉय कर रही हूँ, आप लोग भी कीजिएगा। तो देखिए खिचड़ी हमारी बन करके है बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयार। तो ये देखिए, इसको काफ़ी टाइम मैंने चलाया है, 5 मिनट कम से कम, क्योंकि ये जो है जब तक इसको थोड़ी देर तक आँच नहीं लगने देते हैं, तब तक ये अच्छी नहीं लगती है। साबुदाना डालने के बाद आप थोड़ी देर तक इसको चलाइएगा। तो चलिए पास से दिखाती हूँ मैं आपको। देखिए कितनी यम्मी दिख रही है खिचड़ी हमारी। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो देखिए आज महाशिवरात्रि है, और पूजन वगैरह कर लिया है। फलाहार में हम लोगों ने क्या बनाया वो मैंने आप लोगों को बताया, और फलाहार वगैरह कर लिया है, सब कुछ कर लिया है। और आज बहुत ही अच्छा दिन है, और बहुत ही अच्छा लगता है इस टाइम में। और कौन कौन लोग महाशिवरात्रि का व्रत रखते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज मेरा फास्ट है, और मेरा ही अकेले का है, और यीशु ने भी रखा है, और बेटी ने भी आज कुछ नहीं खाया है। मतलब हम तीन लोगों का व्रत है, और रिंकू ने नहीं रखा है व्रत, और ना मेरे हस्बैंड का व्रत है। तो कैसे हैं आप सब? और हाँ, मैं हैप्पी शिवरात्रि बोलना तो आप लोगों को भूल ही गई। तो मेरी तरफ़ से आप सभी लोगों को महाशिवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, और अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ें। तो कैसे हैं आप सब? और फलाहार में मैंने क्या क्या बनाया वो मैंने आप लोगों को बताया ही दोपहर के टाइम में। अभी बज रहे हैं 5:00 PM, और मैं बैठी हूँ छत पर अभी। तो अभी बहुत अच्छी ठंडी हवा चल रही है, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा वीडियो बनाया जाए, क्योंकि कभी कभी ही अब मेरे को शाम को छत पे बैठने के लिए मिलता है, क्योंकि अब कॉलेज जाने के टाइम में छत पे बैठने के लिए टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि 6:30 बजे के करीब करीब मैं आती हूँ, तो उस टाइम में छत पे बैठ नहीं पाती हूँ। और अब इतना टाइम नहीं मिलता है घर में, कि घर में रहो अपन और आप लोगों के साथ इतना ज़्यादा बातचीत हो, क्योंकि टाइमिंग की कमी हो गई है खास करके। बट आप लोगों का प्यार और सपोर्ट इसी तरीके से मेरे साथ रहेगा, तो बहुत जल्द ही बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस आप लोगों को मिलेंगे, और बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस मेरे चैनल पर अभी मैं डाल रही हूँ। तो आप लोग इसी तरीके से मुझे सपोर्ट करते रहिएगा। और आज हम लोगों ने फलाहार में खिचड़ी बनाया था, मैंने आलू का चिप्स, साबूदाना और उसका मूँगफली दाने का नमकीन बनाया था, जो मैंने आप लोगों को बताया। और किस किस को पसंद आया
आया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, ताकि मेरा न्यू वीडियो जो है आपको सबसे पहले मिल पाए। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, अगर न्यू हैं तो मैं एक बार और बता देना चाहती हूँ कि मैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ, अपनी स्टूडेंट लाइफ और अपनी घर की लाइफ, एक हाउसवाइफ की लाइफ, एक माँ की लाइफ, एक पत्नी की लाइफ, एक बहू की लाइफ, सब कुछ आप लोगों के साथ सब कुछ जो है आप लोगों को बताती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर भी करती हूँ, और आप लोग बहुत ज़्यादा उसको पसंद भी करते हैं। तो इसी तरीके से अपना प्यार और सपोर्ट मेरे चैनल पर बनाए रखिएगा। और जो हम लोगों ने आप लोगों की हेल्प से जो मैंने ये चैनल स्टार्ट किया है और इस चैनल को जो आप लोगों ने इतना ज़्यादा ग्रो अप किया है, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और किचन से रिलेटेड वीडियो मैं आप लोगों को पक्का दूंगी, और जब भी मौका लगेगा तो किचन से रिलेटेड वीडियो मैं आप लोगों को दूंगी, क्योंकि अभी आप लोगों को जैसे कि पता है कि मेरे हस्बैंड आए हुए हैं, तो ज़िंदगी बहुत ही अच्छी चल रही है और कॉलेज के साथ साथ घर भी अच्छे से चल रहा है, क्योंकि वो आ गए हैं। तो अभी उनके पैर में थोड़ा सा चोट है, तो वो ऑपरेशन करा के आए हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं। मैं उनको मिलवाऊंगी अगले वीडियो में आप लोगों से, उनके साथ एक सेपरेट वीडियो मैं बनाऊंगी। और इसी चक्कर में थोड़ा सा उनको रेस्ट भी चाहिए, और इसीलिए मतलब मैं ज़्यादा वीडियो नहीं दे पा रही हूँ, क्योंकि आप लोग भी सिचुएशन को समझते हैं कि 9 से 6 बजे तक मैं कॉलेज जाती हूँ, उसे बीच में घर के काम सुबह शाम को, और रिंकू होने के कारण मैं थोड़ा सा सपोर्ट है, बट मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अभी उनको दे रही हूँ, क्योंकि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएँ, बस यही है। और उन्होंने अपने घुटने का ऑपरेशन करवाया हुआ है अभी, आप दुआ कीजिए कि वो बहुत जल्द से जल्द ठीक हो जाएँ। और वैसे भी मैंने उनसे रिलेटेड एक वीडियो डाला था जिस दिन वो आए थे, मैं एयरपोर्ट का वीडियो नहीं डाल पाई, क्योंकि वीडियो की जो है ना मतलब क्लिप्स जो हैं, मतलब कुछ वीडियो जो है मैंने बनाई थी ना रास्ते में, वो डिलीट हो गई हैं गलती से। उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा कि एयरपोर्ट की वीडियो मैं आप लोगों को नहीं दे पाई, बट वो जब भी जाएंगे तो मैं पक्का आप लोगों को उस वीडियो से रूबरू कराऊंगी, भोपाल का राजा भोज एयरपोर्ट दिखाऊंगी। तो कैसे हैं आप सब, और बहुत सारे कमेंट्स मुझे आ रहे हैं वीडियोस के लिए, वो वीडियो मैं ज़रूर बनाऊंगी। और जैसा कि राजस्थानी सूट के ऊपर आ रहा है कि राजस्थानी सूट के ऊपर आप ज़रूर वीडियो बनाइएगा, क्योंकि मैं भी राजस्थानी सूट पहनती हूँ, और जब भी मैं ख़रीदने जाऊँगी तो वहाँ का लोकेशन और वहाँ की वीडियो और यहाँ की भोपाल की वैरायटी मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँगी। और इसी तरीके से किचन से रिलेटेड वीडियो भी मैं आप लोगों को दूँगी, तो बनाऊँगी मैं वीडियो, और आप लोगों को पक्का, आप लोग जो कमेंट करते हैं उसका रिप्लाई भी मैं देती हूँ। वैसे भी आप लोग जो जो कमेंट करते हैं उन सब के रिप्लाई मैं देती हूँ, बस आप लोग इसी तरीके से मेरे साथ बने रहिएगा। और आज महाशिवरात्रि का व्रत किस किसने रखा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि किस किस के यहाँ पर किस तरीके से महाशिवरात्रि मनाई जाती है। हमारे यहाँ तो हम लोग इसी तरीके से दिन में फलाहार कर लेते हैं, या तो शाम को कर लो या दिन में कर लो, बट मैं दिन में फलाहार कर लेती हूँ, शाम को नहीं लेती हूँ फलाहार, एक ही टाइम, क्योंकि 2.5 दिन में बोलते हैं ये व्रत हमारे इधर खुलता है। जैसे आज रख लिया तो कल सुबह 12 बजे तक ये व्रत चलेगा, तो हमारे इधर इसी तरीके से हम लोग मनाते हैं महाशिवरात्रि, और इसी तरीके से जो है मतलब व्रत रखते हैं कि आज व्रत रख लिया कल सुबह तक चलेगा, शाम को खाना नहीं खाएंगे, कल सुबह 12 बजे खाना होगा। और कोई कोई लोग दोनों टाइम फलाहार करते हैं, कोई लोग एक टाइम फलाहार करते हैं, और आजकल तो लोग शाम को भी खोल लेते हैं इसको, बट हम लोग नहीं खोलते हैं हमारे इधर। मैं जो है कल 12 बजे ही, कल दोपहर का लंच जो है हमारा कॉलेज में होगा, तो वहीं पर मेरा व्रत जो है पूरा होगा, और भगवान सबको खुश रखे। और ये व्रत रखने के बाद बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि जो लोग सोमवार का व्रत रखते हैं, और इस व्रत को अगर 12 महीने के सोमवार का व्रत नहीं भी रखें और एक ये व्रत कर लें, तो हमारे 12 महीने का सोमवार के बराबर व्रत हो जाता है। और ये व्रत तो पति पत्नी के लिए, आजकल लड़के लड़कियां अच्छे वर अच्छी पत्नी के लिए, और करवा चौथ के जैसा हो गया है, सब लोग रखते हैं इसको, और भांग वगैरह पीते हैं कई कई लोग, कई कई जगह मंदिरों पे मिल रही है, खिचड़ी वगैरह पकोड़े वगैरह बनाते हैं भांग के, भांग का ही ज़्यादा क्रेज़ है इसमें, और बस इसी तरीके से मनाते हैं। हमारे इधर तो नॉर्मल ही मनाते हैं, और मंदिर इस बार जाना हुआ नहीं, घर में ही हम लोगों ने जो भी बनाया घर में ही मैंने पूजा पाठ कर लिया था, मंदिर हम लोग नहीं गए, क्योंकि मैं अकेली नहीं गई और बच्चों को भी नहीं लेके गई, क्योंकि आप लोग जानते ही मैं अकेली जाती, फिर ये घर पर रहते तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए कोई बात नहीं, अगली बार देखेंगे।
बस यही दुआ कीजिएगा कि मेरे हस्बैंड बहुत जल्द से जल्द अच्छे हो जाएं। और आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट करें और मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब ताकि मेरा न्यू वीडियो जो है आपको सबसे पहले मिल पाए। तो देखिए मेरे पीछे कितनी हरियाली है, मेरे घर बहुत हरियाली है रियली में। और इस टाइम नई पत्तियाँ आ रही हैं ना, देखिए बादाम में भी रेड रेड पत्तियाँ होके गिर रही हैं और ग्रीन पत्तियाँ आ रही हैं। और वैसे ही ये बोगनवेलिया में भी देखिए कितनी अच्छे से आ रही हैं पत्तियाँ। ऊपर छत पे जा रहा है ये, देखिए ऊपर वाले छत पे जा रहा है ये। और पीछे जो है हमारा ब्राम भी लगा हुआ है। पौधों के बारे में तो आप जानते ही हैं सबके बारे में। तो चलिए अभी का वीडियो मैं ज़्यादा लंबा ना करते हुए करती हूँ एंड, और ताकि न्यू वीडियो में हम लोग मिल पाएँ और आप लोग बोर भी ना हों। और आपसे आपको किससे रिलेटेड वीडियो चाहिए? और हाँ, महिला दिवस का वीडियो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा शेयर किया एंड बहुत ज़्यादा उसको लाइक किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और बहुत ज़्यादा लोगों ने उसको देखा, ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैंने देखिए कॉलेज से रिलेटेड वीडियो जब भी मौका लगता है तो मैं डालती हूँ। और आप लोगों को एक डॉक्टर की लाइफ, एक बच्चा एक डॉक्टर किस तरीके से अपनी लाइफ को बनाता है और कैसे वो पढ़ाई करता है, क्या करता है, वो सब कुछ मैं आप लोगों को बताती हूँ। और आप लोग बहुत ज़्यादा पसंद भी करते हैं इस चीज़ को, ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। और आप लोग इतना ज़्यादा मुझे मोटिवेट करते हैं ना, बहुत ज़्यादा, इस बात से मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है और लगता है कि मुझे और अच्छे अच्छे वीडियोज़ बनाना चाहिए। तो मतलब आप लोग मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं ना, मेंटली भी, मतलब इतना ज़्यादा प्रिपेयर कर रहे हैं आप लोग मुझे, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मुझे इतने पॉजिटिव थिंक वाले दोस्त मिले जिनकी सोच इतनी अच्छी है। तो बस इसी के साथ आज हम अपनी वीडियो का यहीं पर करते हैं एंड और मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए सब्सक्राइब ताकि मेरा न्यू वीडियो जो है आपको सबसे पहले मिल पाए। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत ही अच्छा धमाकेदार वीडियो ये वाला आने वाला है क्योंकि एयरपोर्ट के बाद मम्मी अब आने वाली हैं, तो मम्मी के साथ में कुछ अच्छा बनेगा स्पेशल, वही वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और जिस दिन मैं लाइव आऊँगी उस दिन मैं आप लोगों को पक्का बताऊँगी। हाँ, लाइव आने का टाइम संडे को हम लोग 2 बजे रख लेते हैं, संडे को 2 बजे मैं लाइव आऊँगी। आप लोग मेरा लाइव सेशन जो है ज्वाइन कीजिएगा। तो संडे को 2 बजे, इसी संडे को, कितने तारीख पड़ेगा आप लोग देख लीजिएगा डेट, इसी संडे को 9 बजे हम लोग 2 बजे हम लोग लाइव आएंगे दोपहर में। तो आप लोग मेरे वीडियोस पर बने रहिएगा, आइएगा लाइव सेशन में, जो जो कमेंट हैं आप लोग कमेंट कीजिएगा और मैं उन सबके रिप्लाई आप लोगों को दूंगी। तो चलिए पक्का रहा, संडे के दिन 2 बजे दोपहर में हम लाइव आएंगे और आप लोगों से मिलूंगी, बातचीत करूंगी। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।